माता दर्शन, आठवें दिन आनंद कई गुना हो जाता है। आज के दिन की प्रतीक्षा सभी को रहती है, क्योंकि आज के पहले सबको माता के ज्वारों के दर्शन नहीं होते हैं। आज रणा देवी की भरी बाड़ी की पूजा होती है। बहुत ही पवित्रता से माता को नैवेद्य लगाया जाता है। कहीं गुड़ भात तो कहीं खीर बनाई जाती है। स्त्री पुरुष जो कि एक ही कुटुंब के हैं, वे स्नान कर पवित्रता से बाड़ी में जाते हैं। पीतांबर पहनकर देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माता जी की पूजा के साथ गाई जाने वाली यह आरती बहुत ही भावपूर्ण है। यूं तो इसका प्रारंभ कई करंड कस्तूरी से होता है, जबकि वास्तविक में लाई करण कस्तूरी है। नारियल फोड़ने एवं देवी को साड़ियाँ चढ़ाने के बाद देवी को नैवेद्य लगाया जाता है। उसके बाद एक ही थाली में बहुत से परिवारजन भाईचारे के साथ नैवेद्य ग्रहण करते हैं। जहाँ दशमी के दिन मूठ रखी जाती है, वहाँ दूज के दिन एवं जहाँ एकादशी के दिन मूठ रखी जाती है, वहाँ तीज के दिन बाड़ी आम जनता के दर्शनार्थ खोली जाती है। इस दिन सुबह से ही बाड़ी के पास दर्शनार्थियों की भारी भीड़ लगने लगती है। बड़ी उत्सुकता से स्त्री पुरुष माता की बाड़ी खुलने की प्रतीक्षा करते हैं। इस दौरान
समूह रूप में प्रतीक्षारत स्त्रियों को गाते सुन सकते हैं। Hey!
देवी पाट बैठना। आठवें दिन को देवी के पाट बैठने के रूप में जाना जाता है। आज देवी को सुंदर रथों में बैठाकर घर घर ले जाया जाता है। बाड़ी स्थल पर सैकड़ों रथ एकत्र होते हैं। रथ देवी देवताओं के प्रतीक होते हैं। प्रत्येक रथ के अंदर 5-5 गेहूं के जवार की टोकनियां रखी जाती है, जिन्हें हम निमाड़ी में पुरकई कहते हैं। रथ में एक दिया भी रखा जाता है, जिसे सरावलिया कहते हैं। यह संतान का प्रतीक होता है। जो रथ घोड़े, हाथी, शेर, मोर आदि की सवारी करते हैं, उनके जवारे देवी देवताओं की गोद में रखे जाते हैं। कुछ लोग पालने के रूप में एक रथ ही रखते हैं, जिसमें 10 टोकनियां रखी जाती है। कहीं दूज या कहीं तीज के दिन भी देवी देवताओं के रथ सजाए जाते हैं। बाड़ी में आम जनता के दर्शन के साथ ही स्त्रियां दीवालों पर साती या स्वस्तिक का चिन्ह बनाती हैं। देवी की बाड़ी के सामने 5 नारियल कपड़ा चढ़ाकर माता की गोद भरकर मन्नत उतारी जाती है। कई परिवार पुत्र पुत्री की शादी या संतान प्राप्ति होने पर मान उतारते देखे जा सकते हैं। राजस्थान एवं निमाड़ में लड़कियां गणगौर की पूजा अच्छे पति पाने के लिए भी करती हैं। बाड़ी में बोई सैकड़ों जवारों की टोकनियों को लेने देवी देवताओं के रथ आते हैं। निमाड़ में रथ 2 प्रकार के होते हैं, हाथ वाले और बिना हाथ वाले। मुख्य रूप से रथों को रणुबाई एवं धनिया राजा के रूप में ही जाना जाता है। ये रथ शंकर पार्वती, ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी जी, सूर्य और रनु, चंद्रमा और रोहिणी के होते हैं। गणगौर में उक्त सभी देवताओं के गीत गाए जाते हैं, परंतु सबसे ज्यादा गीत सूर्य एवं उनकी पत्नी रनुबाई के होते हैं। सामूहिक विवाह के समय जैसे सैकड़ों जोड़े उपस्थित होते हैं, ठीक वैसे ही बड़े गाँव में सैकड़ों देवी देवताओं के जोड़े आमने सामने कतारों में बिठाए जाते हैं। रथों के सामने पारंपरिक ढोल एवं थाल से गीतों के साथ नृत्य होते हैं। सभी रथों में जवारे रखने के बाद ये रथ माथा के बैठाने वाले लोग अपने अपने घरों में ले जाते हैं। झालरिया, जिन घरों में देवी देवताओं के रथ सजाए जाते हैं, उन घरों में शाम को गाय के ताजे गोबर से पूर्ण आस्था के साथ आंगन लिप कर रंगोली बनाई जाती है। उस पर आसन बिछाकर देवी देवताओं के रथों को बीच में रखकर आसपास परिक्रमा कर जो गीत गाए जाते हैं, उन्हें झालरिया देना कहते हैं। इस झालरिया में परिवार के सभी सदस्य जुड़ते हैं। कुछ प्रमुख झालरिया गीतों के बोल हैं: देवी आज मारा आंगणा मा लाल छड़ो देवासे, देवी आज मारा आंगणा मा ईश्वर का घोड़ीला छुटिया। अपने अपने घरों के सामने झालरिया देने के बाद सभी रथ शाम को एक स्थान पर एकत्र होते हैं, जहां से चल समारोह एक साथ निकलकर बगीचे में या धर्मशाला में या फिर बड़े मैदान में एकत्र होते हैं। तांबे के लोटे में पानी लेकर चांदी की अंगूठी से हर देवी देवताओं की मूर्तियों को पानी पिलाया जाता है। मूंगफली, खोपरे एवं धानी का प्रसाद वितरण किया जाता है। चल समारोह में रथ ढोल थाल की मधुर धुनों पर आगे के लिए प्रस्थान करते हैं और गांव के अंतिम छोर पर बड़े प्रांगण में एकत्र होते हैं। रथों के सामने बहुत ही उत्साह पूर्वक नृत्य होते हैं तथा देवी देवताओं को जल पिलाकर सभी रथ चल समारोह के रूप में अपने अपने घरों में पहुंच जाते हैं। अंतिम दिन रथ पुनः बाड़ी स्थल पर एकत्र होते हैं और फिर उनका ढोल थाल पर चल समारोह निकलता है। रणुबाई की जय, गणगौर माता की जय, गणगौर माता की जय जयकार के साथ देवी जी को जहां विसर्जित करना होता है वहां ले जाया जाता है। यदि कोई की मानता रहती है तो वे सभी रथों को सोने की अंगूठी छुआ कर अपने घर ले जाते हैं और फिर रात जगा होता है, इसे रथ बोड़ाना कहते हैं। श्रृंगार गीत। निमाड़ की गणगौर के अति सुंदर रूप का वर्णन व उसका गुजरात के सौराष्ट्र से आने का प्रमाण इस श्रृंगार गीत में मिलता है। थारो काईकाई रूप बखाना रणुबाई, तू तो सौरठ देश से आई हो। थारी आंगलई मूंग की सेंगलई रणुबाई, तू तो सौरठ देश से आई हो। इस गीत से यह भी संकेत मिलते हैं
कि निमाड़ की रणुबाई गुजरात के सौराष्ट्र से आई है। उनकी उंगलियां मूंग की फली जैसी बारीक है, होंठ नींबू के पाक जैसे हैं। आज भी गुजरात के सौराष्ट्र में रांदल देवी का मंदिर है, जो कि रणुबाई का ही स्थान है।
जब रणुबाई इतनी सुंदर होगी तो उनके रूप को देखकर नजर लगना स्वाभाविक है। आओ हम माँ रणुबाई की नजर उतारे। Oh,
राजस्थान की एवं निमाड़ मध्य प्रदेश की गणगौर का समय एक ही रहता है, परंतु राजस्थान में राजघरानों की चमक दमक देखी जाती है, तो निमाड़ में जनता के अपार स्नेह का सैलाब देखने को मिलता है। राजस्थान में शोभा यात्रा में रथ पर अकेली गणगौर माता बैठती है, तो निमाड़ में रणुबाई एवं धनियर राजा के रथ तैयार कर सिर पर लेकर नंगे पांव श्रद्धा से गांव व शहर में घुमाया जाता है, जिसके अंदर पांच पांच टोकनियों में ज्वारे होते हैं जो अत्यंत भारी होते हैं। घने जंगल व बाग बगीचों में झूले बंधे हैं और गणगौर माता झूला झूल रही है। इसी बीच तपस्वी आता है तो देवी थाली भरकर हीरे मोती दान देना चाहती है, तो तपस्वी कहता है कि मुझे तो भूख लगी है, अन्न की भिक्षा दीजिए। तो देवी जी कहती है, अकाल पड़ा है, खेत भी नहीं पका, खले में भी कुछ नहीं है, कहाँ से अन्न दूँ? हम चेत माह में हमारे मायके जाएंगे तो वहाँ से लाकर देंगे। Bye.
शिक्षा गीत। निमाड़ की गणगौर में शिक्षा गीत बहुत ही बहुमूल्य है। शिक्षा गीतों में बेटी को आचरण, व्यवहार व शालीनता, मान सम्मान की शिक्षा दी जाती है। लाज शर्म स्त्री का प्राकृतिक गहना है, इसे सदैव पास रखने का आह्वान किया गया है। इसका एक गीत इस प्रकार है। हो जावा।
रथ बढ़ाना। अंतिम दिन रथ पुनः बाड़ी स्थल पर एकत्रित होते हैं और फिर उनका ढोल थाल पर चल समारोह निकलता है। रेणुबाई की जय, गणगौर माता की जय, धन्य राजा की जय, गणगौर माता की जय जयकार के साथ देवी जी को जहाँ विसर्जित करना होता है वहाँ ले जाया जाता है। यदि कोई मन्नत होती है तो सभी रथों को रास्ते में ही आग्रह पूर्वक रोकते हुए पूरे रास्ते में दरी, चद्दर या फिर टाट पत्ती बिछा कर रथों को सोने की अंगूठी छुआ कर अपने घर ले जाया जाता है और फिर रथ जगा होता है। रथ बढ़ाने के बाद समस्त व्यय एवं जिम्मेदारी रथ बढ़ाने वाले की होती है। समस्त रथों को कुमकुम लगाया जाता है। सब जवारों को रथों से निकालकर उनको जल से सींचा जाता है। रथ सजाने वाले हर घर एवं पूरे गांव को भोज कराया जाता है। इस सारी प्रक्रिया को रथ बढ़ाना कहते हैं। रथों का आगमन एक बहुत ही सुंदर गीत है।
आज भी निमाड़ से हजारों कोस दूर बसे लोग अत्यंत ही श्रद्धा भाव से निमाड़ में गणगौर मनाने आते हैं। जवारों की विसर्जन के पूर्व रथों की आदर के साथ पूजा आरती कर जवारों को 3 बार गले से लगाकर भारी मन से विसर्जित किया जाता है। इस प्रक्रिया को रणुबाई का ससुराल जाना कहते हैं। ससुराल जाते समय माता की गोद भरी जाती है। उसकी गोद में सूखी मूंगफली, खोपरे एवं धानी का मेवा भरा जाता है। माता को लाल चूड़ीला पहनाया जाता है। इसका एक बहुत ही सुंदर गीत है।
आखिरकार हर बेटी को ससुराल जाना ही होता है। माता को पहुंचाते समय हर नारियां दुखी मन से यह गीत गाने लगती है। मारी रणुबाई हो सासरिया जाए, भोला धनिया राजा आनो लई जाए। विसर्जन। विसर्जन के पूर्व रथों को जोड़ों से रखकर उनकी पूजा आरती की जाती है। उनसे 9 दिन में कोई भूल हुई हो, सेवा में कमी रह गई हो, उसके लिए क्षमा याचना की जाती है। अगले साल माता जल्दी आवे एवं पूरा साल अच्छा जावे, धन धान्य में वृद्धि हो, परिवार में खुशहाली हो, इसकी कामना की जाती है। जवारों को बार बार गले मिलकर बहुत ही भारी मन से नदी, तालाब, कुओं, जहां जैसी व्यवस्था हो विसर्जित किया जाता है। बाड़ी के जवारे आते रहते हैं, विसर्जन होते रहता है। यह प्रक्रिया 9वें दिन एवं रथ बोड़ाने पर 10वें दिन भी जारी रहती है। खाली रथों को आते समय पड़ने वाले चौराहों पर एवं अपने अपने घर के सामने नचाकर रनुबाई की विदाई से उत्पन्न गहरे दुख को कम किया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाला यह लोकोत्सव अपनी यादें साल भर तक बनाए रखने में सक्षम होता है। रनुबाई की जय हो।